हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं। ये हमारा पार्ट 9 है हमारे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है लामार्किज्म। इसके पहले कि मैंने सभी के सभी टॉपिक्स को आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, तो अब हम अपने इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इस डायग्राम से ही हम सारे के सारे टॉपिक को समझ जाएंगे। पूरा थियोरेटिकल बताना कुछ जरूरी नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाए बस यही बहुत है। बस अब ध्यान से सीखना। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसके पहले के सारे वीडियो हमारे देख लीजिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए तो बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। तो लामार्किज्म है, इसमें बताया गया क्या है इस थियोरी में, सिर्फ आप इतना ही समझिए। इसमें जिराफ का एग्जाम्पल मोस्टली बहुत ही कॉमन है। तो इसमें बताया गया है कि जो अर्थ के अंदर इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे उत्क्रांति होती गई, उसमें जो इन्वायरमेंट था, अपनी प्रकृति थी, उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आए। तो हो सकता है कि जो प्लांट्स थे, देखो अभी जो एनिमल है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। तो जो प्लांट्स थे, तो अगर उनकी साइज बढ़ती गई तो धीरे धीरे जो एनिमल्स थे उनकी भी साइज बढ़ती गई। तो ऐसे ही एविडेंसेस हमें मिले हैं कि पहले जब फॉसिल्स से पता चला, फॉसिल्स यानी पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें से पता चला जो जिराफ की साइज़ थी बहुत छोटी थी, फिर देखा गया धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर और बढ़ती गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला जब प्लांट्स के भी एविडेंसेस मिले, उनके भी फॉसिल्स मिले, उनसे जब पता चला तो क्या पता चला कि जो प्लांट्स थे उनकी साइज़ पहले छोटी थी, तो जो एनिमल्स उन्हें बहुत ही आसानी से पा सकते थे। तो उन्हें जो भी मतलब धीरे धीरे अब बस उनका जीवन चलते गया, ऐसे ही लाइफ उनकी प्रोसेसिंग होती गई, पर धीरे धीरे जो प्लांट्स थे उनकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, उनमें इवोल्यूशन आने लगा। तो इस इवोल्यूशन के वजह से जो एनिमल थे उन्हें भी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर तो डिपेंड है, तो उन्होंने भी अपने अंदर चेंजेस लाए, अपने अंदर इवोल्यूशंस लाए। तो उन्होंने भी उस प्लांट्स को ईट करने के लिए, खाने के लिए, उन्होंने अपनी भी साइज़ इंक्रीज़ की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिराफ एक एनिमल था, वो अपने गर्दन, जिसे नेक कह सकते हैं, तो उसने अपने गर्दन में इवोल्यूशंस लाए और उसे धीरे धीरे चेंजेस पाया गया, उसके फॉसिल से हमें पता चलता है। तो इसी पूरी थियोरी को लामार्किज्म कहते हैं। और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो वो सब डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को कंसेप्ट समझ गया कि यानी कि अगर एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड है और अगर उसका उसमें कुछ इवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एनिमल जिसके ऊपर डिपेंड है उसमें भी धीरे धीरे इवोल्यूशंस आएंगे। तो समझ गया आप लोगों को अच्छे से लामार्किज्म में क्या बताया गया है, बस यही टॉपिक है। आप लोग अच्छे से थियोरेटिकली समझ सकते हैं, बस डायग्राम से ही बहुत ही अच्छा सा मैंने कंसेप्ट बता दिया है आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब ह्यूमन में इवोल्यूशन कैसे हुए, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर पता करते हैं कि ह्यूमन, अब ऐसा कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, मंकीज। तो ऐसा हो सकता है क्या मंकीज थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आज से 3 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 3000 करोड़ साल पहले हम अगर जाएं, तो अर्थ में बहुत ऐसे भी मतलब दो पैरों वाले या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके भी ह्यूमन एविडेंसेस जो मिले, तो उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आया ह्यूमंस की बॉडी में। पहले ह्यूमंस ऐसे अपने चारों पैरों पर चलते थे, फिर गोरिल्ला ऐसे, फिर धीरे धीरे एविडेंसेस आए, बहुत हज़ारों साल में इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए उनके बॉडी में, फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया, दो पैरों पर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए उनमें इवोल्यूशन, फिर थोड़ा सा दिमाग आया, मतलब उनका ब्रेन चेंजेस हुए, फिर उनके अंदर जो वो हथियार बनाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे वो रहने खाने सब कुछ व्यवस्था अपनी करने लग गए, फिर धीरे धीरे वो घर बनाने लग गए, पढ़ाई लिखाई, और आज हम मॉडर्न वर्ल्ड के ह्यूमन हैं। तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमर्स, जो सबसे पहले आज से जो 7 बिलियन ईयर्स है, वो यहाँ पर दिया हुआ है 7 बिलियन ईयर्स है, वो लैमूर नाम का एक जो ये पेड़ों पर रहता था, एक ये जानवर था जिसको पीछे टेल भी थी। तो ये बहुत ही पुराना सबसे पहला एविडेंसेस हमें मिला है आज से 7 बिलियन ईयर्स होगा, बहुत साल पुराने, मतलब कि जो पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस थे उससे भी पुराने ये एरा थे। इस एरा में ये लैमूर नाम का जो भी मतलब एनिमल था ये पाया गया। फिर धीरे धीरे इजिप्ट में
एक और एनिमल के एविडेंसेस मिले जिसे हम लोग इजिप्टोपिथिकस कहते हैं। पिथिकस मतलब एक ऐसा एनिमल जो कि आदमियों को जैसे दिखता हो और इजिप्ट में पाया गया है, इसीलिए इजिप्टोपिथिकस कहते हैं इसे। ये 4000 बिलियन ईयर से वो पाया गया था, ठीक है। फिर ड्रायोपिथिकस, तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन की वजह से ये धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए ड्रायोपिथिकस में। तो ड्रायोपिथिकस यही मतलब कनेक्टिंग लिंक है इजिप्टोपिथिकस का, इसके ही थोड़े करेक्टर्स हैं, बस इसमें थोड़े से इवोल्यूशन आ गए हैं। ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकता है, मतलब देखो खड़ा हो सकता है, धीरे धीरे ट्राई कर रहा है, थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। यही ह्यूमन इवोल्यूशन है और कुछ नहीं। और बाकी ब्रेन चेंजेस वो सब तो आप लोग को पता ही है कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अभी भी इवोल्यूशन ही हमें चालू है, कोई ज़्यादा पढ़ता है कोई कम पढ़ता है, तो इसे इवोल्यूशन ही है। फिर रामापिथिकस, रामापिथिकस को ऐसा कहा जाता है कि ये इंडिया में ऐसा पाया गया था जो कि कश्मीर में शायद। फिर और ये 1000 बिलियन ईयर एगो था जो कि ये कम्प्लीटली ऐसे खड़ा हो सकता था, दोनों पैरों से सीधी चल सकता था। और ये कनेक्टिंग लिंक है ड्रायोपिथिकस का, तो ये ड्रायोपिथिकस का कनेक्टिंग लिंक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलिया में ये एक पिथिकस यानी कि जो ये बॉडी थी, ये एनिमल्स नहीं कह सकता ह्यूमन, ये पाए गए थे जो कि 40,000 बिलियन ईयर एगो, मतलब जो 40 मतलब लाइक जो भी हुआ ईयर्स एगो पाया गया था, जो कि हथियार बनाने का इसके अंदर दिमाग था, इसका ब्रेन थोड़ा इन सबसे ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद स्किल्ड ह्यूमन जिसे कहते हैं, स्किल्ड मतलब वेल नॉलेज, मतलब वेल नॉलेज भी नहीं कह सकते हैं पर नॉलेज तो अच्छी सी थी। हथियार बना सकता था, घर आग वो सब जला सकता था, खाना खाने की थोड़ी सी अलग अलग स्टाइल्स इसके अंदर आ चुकी थी। फिर मैन विद इरेक्ट पोस्चर, मतलब जो टोटल मैन एकदम अच्छे से खड़ा हो सकता था, ये मैन कब मिला हमें 15 लाख ईयर से को, एक ऐसा ह्यूमन मिला 15 लाख ईयर से को जिसको थोड़ा सा दिमाग था, जिसको ब्रेन एकदम डेवलप्ड था इन सब के मतलब कंपेरेबल में, और के अंदर अच्छी खासी दिमाग थी, रहने खाने की अच्छी सी मतलब ये सब कुछ समझता था और ये अपने जनरेशंस को बढ़ाना जानता था। ये कब मिला 15 लाख साल पूरे पहले, मतलब 15 ईयर्स एगो, ठीक है। फिर नियंदरथल मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियंदरथल मैन जो कि 1,50,000 ईयर एगो मिला, इसको एकदम वेल नॉलेज बोल सकते हैं और इसको एकदम बहुत अच्छी ब्रेन थी, ये बहुत अच्छे हथियार बना सकता था, ये रह सकता था, इन्हें आदिवासी हम कहते हैं पुराने ज़माने के, जिसे हिंदी में आदिवासी कह सकते हैं। और लेकिन मतलब कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के आदमी ये आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं ऐसा वो सब, तो ठीक है। तो वैसे ये जानवर थे, ये मतलब ये एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन है, ये बहुत ही डेवलप्ड था, ये सब मतलब अच्छे से रह सकते थे, झोपड़ी बनाने लग गए, ये पानी का इस्तेमाल अच्छे से, खाना और पहिए चलाना, गाड़ी व्हीकल की सब कुछ ये बनाने लग गए नियंदरथल मैन। फिर आज के डेट में क्रो मैग्नन मैन जो कि हम लोग हैं, ये क्रो मैग्नन मैन इसे हमें कहा जाता है 50 ईयर्स मतलब 50,000 साल पहले से, ये फिर वहाँ से इवोल्यूशन होते होते अब तक हम जैसे दिखते हैं, ये सब क्रो मैग्नन मैन के बाद की कैटेगरी या मॉडर्न मैन क्रो मैग्नन मैन की कैटेगरी में आते हैं। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में ब्रेन की कैसे चेंजेस हुई वो देखेंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादातर, बस यही बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में जाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ड्रायोपिथिकस या फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, जिसको ब्रेन में देखो यहाँ पर सेरेब्रम होता है ब्रेन में, आप लोग को बता दूं ये सेरेब्रम एक ब्रेन का नाम है, ब्रेन के अंदर पार्ट होता है, ऐसे बहुत सारे सेरेबेलम सेरेब्रम ये बहुत सारे होते हैं, तो इनमें देखो डेवलप नहीं है। फिर धीरे धीरे इनमें थोड़ा डेवलप होने लग गया इसमें, फिर इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे चेंजेस आए, फिर इसमें वेल डेवलप्ड ऐसा दिखाया जा रहा है। फिर ऐसे मिल सकते हैं आप लोगों को एविडेंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो जो ये हमारा नियंदरथल मैन है, इसमें ये क्रोमैग्नन मैन इसे कह सकते हैं, इसे नियंदरथल मैन कह सकते हैं। तो इसमें देखो वेल डेवलप्ड है, जितने स्क्रेचेस ब्रेन के अंदर होती हैं ऐसे ऐसे लाइनें, ऐसे ऐसे होती हैं लाइनें, जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं जितनी जिसके ब्रेन में ज़्यादा होती है उसको ऐसा वेल इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो इसमें देखो वेल नॉलेज है, इसको बहुत ही नॉलेज है इसको, तो इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसका ब्रेन एकदम अच्छे से प्री डिफाइंड एकदम बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड दिख रहा है, बहुत ही अच्छा डेवलप है, अच्छा सा प्रगति हो चुकी है इसके दिमाग की। तो ये नियंदरथल मैन या फिर क्रोमैग्नन मैन इसे कहा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग नियंदरथल मैन की एक अच्छी सी फोटो देखेंगे, वो एविडेंसेस से ही हमें प्राप्त हुई है, एविडेंसेस से ही हमें मिली है, तो उसे हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या है उसके मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा ये है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो ये नियंदरथल मैन है ये थोड़ा थोड़ा हमारे ह्यूमन की बॉडी जैसे ही दिखाई देता है, इसको भी ईयर्स थे बस, थोड़ा सा इसके हेयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा से ज़्यादा थे,
थोड़े बदलाव थे, और बाकी इसका जो ह्यूमन ब्रेन था, ब्रेन का साइज थोड़ा बहुत सेम सेम ही था, और ये बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड नॉलेज का एक ये ह्यूमन था जिसे नियंदरथल कहा जाता है, नियंदरथल कहा जाता है, एनसेस का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियंदरथल बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में इसे लिखना बहुत जरूरी है। इसको आईब्रो, इसको नोज, इसके जो थोड़े सामने के होंठ, लिप्स और आईज, ये सब थोड़े थोड़े सेम थी, जो यहाँ पे इसको चिक्सेस जो भी बोल सकते हैं इसका सब कुछ सेम था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, ये मतलब पूरे फुली डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी, क्रो मैग्नन मैन या मॉडर्न हम लोग के जैसे ही था, इसको बस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इसको जो हेयर्स थे वो ज़्यादा थे, बस यही फ़र्क है। तो अब ये आप लोग का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, तो मुझे, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा ये टॉपिक, बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो अब हमारे ये टॉपिक का द एंड, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम लोग ने पढ़ा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आप लोगों को किसी भी तरह का अगर डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसे 12 आवर्स के अंदर आप लोग को उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। न्यू इंडियन एरा हमारे चैनल का नाम है, मैं और भी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा जैसे भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो थैंक यू दोस्तों, अब अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग आप लोगों से।